नई होंडा एक्सएल 750 ट्रांसएल के साथ होंडा स्पष्ट रूप से यामाहा टेनेरे 700 की सफलता को देख रहा है। क्या 1987 से लगभग पौराणिक ट्रांसएल्प का पुनरारंभ सफल था, वोल्कर और डाइटमार ने एक व्यापक परीक्षण ड्राइव के दौरान स्पष्ट किया। जब आप नए ट्रांसएल्प को ट्राइकलर लाई में देखते हैं, तो आप 1987 से पहले ट्रांसएल्प एक्सटेल 600V के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकते। और यह सिर्फ लुक नहीं है जो समान है, नई एक्सएल 750 ने सौभाग्य से कम वजन पर कब्जा कर लिया है। इसका वजन केवल 208 किलोग्राम है जो सवारी के लिए तैयार है, आधुनिक यात्रा एंडुरो के लिए बुरा नहीं है। होंडा अन्य रंगों की तरह ग्रे और ब्लैक प्रदान करता है। गोल्डन रिम्स, जिसे हम मूल से भी जानते हैं, में केवल रंग संस्करण रॉस व्हाइट है। यही कारण है कि रंगों का हमारा चुनाव तेज है। जैसे ही हम मशीन के चारों ओर चलते हैं, हम पतली स्पोर्टी सिनेवी सिलहूट से आश्चर्यचकित होते हैं। एक चना बहुत ज्यादा नहीं बल्कि लंबा लंबा और संकरा है, और मशीन वास्तव में बड़ी है। 1.56 मीटर के व्हील बेस के साथ 2.32 मीटर लंबी। तुलना के लिए एक BMW 1250 GS 12 सेंटीमीटर छोटा है। 850 मिमी की सीट ऊंचाई एक सामान्य स्तर पर है, लेकिन दुर्भाग्य से समायोजित नहीं किया जा सकता है। आप काठी में सीधे भी बैठते हैं, जो एक यात्रा एंडुरो के लिए विशिष्ट है, और कम्माउंटेड फुटरेस्ट एक आरामदायक घुटने का कोण देते हैं। इसलिए लंबे थकान मुक्त दौरे के लिए सब कुछ स्पष्ट है। एक्सएल 750 में 92 HP है, और इसलिए इसे आसानी से A2 मशीन में थ्रॉटल किया जा सकता है। बहुत सारे सामान हैं जो होंडा 5 उपकरण पैकेजों में एक साथ रखता है। बेशक आप व्यक्तिगत घटकों को भी बुक कर सकते हैं, लेकिन फिर कोई छूट नहीं है। कॉकपिट को देखते समय बहन मॉडल CB750 हॉर्नेट के साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है। ट्रांसाल्प में ऑनबोर्ड कंप्यूटर के साथ 5 इंच और आसानी से पढ़ने वाला TFT कलर डिस्प्ले भी है, जो जानकारी प्रदान करने के लिए उत्सुक है। 4 सवारी मोड मानक के रूप में शामिल हैं, जिसमें बजरी और बारिश और एक विन्यास योग्य उपयोगकर्ता मोड शामिल हैं। यहां आप पावर इंजन ब्रेक 5x ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS को एडजस्ट कर सकते हैं। दुर्भाग्य से होंडा एक क्रूज कंट्रोल भूल गया है, जो सहायक उपकरण कार्यक्रम में उपलब्ध नहीं है। हालांकि गर्म पकड़ है, जो हम किसी भी लगातार सवार को सलाह देंगे। तथ्य यह है कि 12 वोल्ट USB सॉकेट को भी बुक करना पड़ता है, लेकिन हम यह नहीं भूलना चाहते हैं कि बाइक की लागत केवल 10,500 यूरो है। आपको बस एक या दो समझौते स्वीकार करने होंगे। दिन के समय चलने वाली रोशनी, ESS आपातकालीन स्टॉप फ्लैशिंग सिस्टम, खतरा चेतावनी रोशनी और नेविगेशन समाधान सहित हैंडी कनेक्ट सहित पूर्ण LED लाइट मानक के रूप में शामिल हैं। आप एक क्विक शिफ्टर इंक भी बुक कर सकते हैं, जिसमें ब्लिपर भी शामिल है, जिसे हमारी टेस्ट बाइक में शामिल नहीं किया गया था। हमने इसे मिस नहीं किया। हम नए ट्रांसॉल्व की आवाज से सुखद आश्चर्य हुआ। हमने एक सूक्ष्म गड़गड़ाहट की उम्मीद की होगी, लेकिन इसके बजाय यह बड़े बैग से स्पष्ट रूप से गूंजता है। इंजन में 270 डिग्री का क्रैंकपिन ऑफसेट है। इस पुराने किसान की चाल मशीन बूम को आश्चर्यजनक रूप से बेसी बनाती है। स्थिर शोर 94 dBA है। होंडा के साथ पहले कुछ मीटर भी आश्चर्यजनक रूप से चिकनी हैं। आप तुरंत बाइक से परिचित महसूस करते हैं, कम वजन राइडर के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करता है, और सभी ट्रैपिंग सिर्फ होंडा की तरह महसूस करते हैं। ऑपरेशन आसान है, क्लच बल कम है, गियरबॉक्स आसानी से और ठीक से बदल जाता है, और मशीन आश्चर्यजनक रूप से मोड़ों में गिर जाती है। यह उल्लेखनीय है क्योंकि बाइक में 21 इंच का फ्रंट व्हील रिम है, और यह मिटजेलर कारू स्ट्रीट मिश्रित टायर के साथ आता है। बेशक सुंदर वायर स्पोक रिम भी हैं, कुछ और अनुचित होता तो ट्रांसॉल्व आसानी से सवारी करता है, और आकस्मिक क्रूजिंग और संप्रभु ग्लाइडिंग का मिश्रण बताता है। यह चरित्र के मामले में एक स्पोर्ट्स मशीन नहीं है, हालांकि इंजन में निश्चित रूप से वह होगा जो यह लेता है।
हालांकि लैप रिकॉर्ड सेट करने की इच्छा के बजाय आप सवारी का आनंद लेते हैं और बस खुद को बहने देते हैं। यह सब साथ ही आराम से ट्यून किए गए चेसिस लंबी दूरी को भी एक यातनापूर्ण दौरा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल विपरीत, इस मशीन के साथ आप थका देने के बिना आसानी से पूरे दिन ड्राइव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इंजन भी अलग हो सकता है। यदि आप चाहते हैं तो 92 HP तेजी से काम करने के लिए जाता है। अधिकतम त्वरण पर यहां तक कि सामने का पहिया भी चढ़ता है, लेकिन व्हीली नियंत्रण इसे रोकता है। 3000 RPM से इंजन घर पर सही लगता है और स्वेच्छा से 9500 RPM पर अधिकतम शक्ति तक बढ़ना जारी रखता है। पूरे थ्रॉटल पर हिरन जितना हो सके उतना दहाड़ता है और हमने सोचा भी नहीं होगा कि बाइक बिल्कुल भी ऐसा कर सकती है। 1100 cc इनलाइन ट्विन के साथ अफ्रीका ट्विन की तुलना में, हालांकि ट्रांसाल्प में रेव सेलर थोड़ा पंच का अभाव है। हालांकि यह शुरुआत में धीमा नहीं है क्योंकि वजन का अंतर 18 किलोग्राम है। हालांकि जब वह पीछे हटती है तो उसे अपनी बड़ी और अधिक महंगी बहन को हार स्वीकार करनी पड़ती है। फिर भी एक्सेल 750 एक तेज बाइक है और हमेशा एक यात्री के साथ पिलियन मोड में भी पर्याप्त पावर रिजर्व है। ब्रेक भी ठीक हैं, भले ही वे उच्च प्रदर्शन वाले स्टॉपर न हो। अब तक सब कुछ ठीक है और कम कीमत कहीं से आनी चाहिए। हालांकि हमें आलोचना के कुछ बिंदु मिले, क्लच लीवर समायोज्य नहीं है और थोड़ा सस्ता दिखता है। क्रूज नियंत्रण की कमी हमारे लिए एक रहस्य है और हम श्रृंखला उत्पादन में 12 वोल्ट सॉकेट पसंद करते। कई इच्छुक पार्टियां शायद गायब मुख्य स्टैंड बुक करेंगी, लेकिन यह अभी भी समझ में आता है कि यह श्रृंखला में पेंच नहीं किया जाता है। यह न केवल पैसे बचाता है बल्कि वजन भी बचाता है। होंडा एक्सेल 750 ट्रांसाल पर 2 साल की वारंटी देती है जिसकी कोई माइलेज लिमिट नहीं है। कुछ प्रतियोगी पहले ही 4 साल तक पहुंच चुके हैं। यह अजीब है कि होंडा अभी भी अपनी लौकिक गुणवत्ता के साथ पिछड़ रहा है। परिणाम होंडा एक्सेल 750 ट्रांसाल मूल ट्रांसाल 600V का उत्तराधिकारी है। यह सरल है लेकिन अच्छी तरह से किया गया है। होंडा के पास कई वर्षों से अपनी सीमा में ग्राहक अफ्रीका ट्विन है, जो ए बेहतर सुसज्जित है और बी काफी अधिक महंगा है। इस संबंध में नई ट्रांसाल्प होंडा के साहसिक बाइक कार्यक्रम के लिए एक उपयोगी और अच्छा अतिरिक्त है। हमें यकीन है कि ट्रांसाल्प एक्सेल 750 मई की शुरुआत में पंजीकरण आंकड़ों में शीर्ष स्थानों में से एक होगा। हमारे दृष्टिकोण से कुछ और आश्चर्य की बात होगी। Wo eins los. Drei, zwei, eins und ab geht's. Oh, Wunder.